I started with some scrap 3/4 inch AC plywood. Used a 930. Casey Neitstat के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा यार मुझे भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए. तो बस ये वीडियो इसी के बारे में. तो स्टार्टिंग इस मटेरियल चाहिए था तो मैं बस उसको ढूंढने के लिए निकला. लकड़ियाँ तो थी घर में बट फाइंडिंग द करेक्ट वन वॉज द बिग टास्क. मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ देखी ये बट नथिंग वॉज परफेक्ट. तो सर्च करते रहा मैं ऐसी बात नहीं. Then finally I got the perfect one. बस इसको कट करना था तो कट करने के लिए मुझे चाहिए था टूल. और किसी नाइट्रेट की तरह मेरे पास प्रोफेशनल टूल्स तो थे नहीं. तो इंडिया में जो जनरली यूज होते हैं उनको मैंने यूज़ करा. बस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मार्किंग करी एंड विथ माई प्रिसीजन टूल मैंने उसको कट करना शुरू करा. बट आफ्टर अ पॉइंट मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे बस की बात नहीं है. अब मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए मुझे इस बात की उम्मीद कि मैं ऐसा कुछ बना पाऊंगा. मैं सारी चीज़ें फेंक दी और फिर मैं बैठ के सोचने लगा कि मैं कर क्या सकता हूँ. देन आई गॉट एन आइडिया. भाई इंडिया में रहके तुमने ना जुगाड़ नहीं करा तो तुमने करा क्या. बस दिमाग में जुगाड़ आ चुका था एकदम. वायर की प्रिसीजन मेजरमेंट लेके मैंने एक गोल डब्बे पे फास्ट ट्रैक के डब्बे पे मार्किंग करी. भाई हमारे इंडिया में फेवरेट टूल आई स्टार्टेड पियर्सिंग थ्रू मेटल. ये करा मैंने होल जुगाड़ से. अब इस होल को थोड़ा बड़ा करते हैं कि वायर चल सके. और एज यू कैन सी वायर तो चली गई और निकल भी गई. बस अब थोड़ी सैंडिंग करते हैं ताकि ये जो मेटल है वो हाथ में छुपे ना या फिर जो वायर डालूँ वो ख़राब ना हो जाए इसके अंदर डालने से. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. अब थोड़ी स्टफिंग करनी है. स्टफिंग क्यों? क्योंकि जो वायर डालेंगे तो उसको कहीं फंसाना पड़ेगा. किसी नाइटस्टैट ने जो वुड पीस था उसके अंदर लगाया था बट वी नीड समथिंग एल्स. बस मैंने कार्डबोर्ड लिया और उसको मैंने थोड़े जादू से कट. बस इनको एक साथ इकट्ठा करके बॉक्स उसके अंदर डाल दिया. काम रह गया इसको चिपकाने का वायर के साथ. तो इनके भी कॉल करा और ब्लू पेन से मैंने इनको चिपका दिया. थोड़ा टाइम लगा बट हो ही गया. चिपकाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है. यहाँ से वायर निकाल रखी है पीछे से. अब बस इसको थोड़ी एस्थेटिक्स दे देते हैं इनके. थोड़ा सजा दिया वायर को ऐसे इसे टेप से चिपका दिया. अब थोड़ा इसमें लिख देते हैं पावर स्टेशन ये हमारे फोन को इससे पावर मिलेगी. बगल में लिख रखा है मैंने माइक्रो यूएसबी क्योंकि नीचे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है. आज की डेट डाल दो और जगह का नाम जहाँ ही बना KTM खटीमा. Thank you for watching this video. If you think this video was good, do a like, share and comment. And I will see you in the next vlog. Till then, goodbye.